Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. With double standard people. In front, they are good with you. And back of you, they gossip about you. ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करें जो दोहरे मुख वाले होते हैं. सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और. सामने तारीफ करते हैं, पीठ पीछे आपकी निंदा, चुगली, बुराइयां करते हैं. तो ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करना, उनके साथ डील कैसे करना. देखो, आपको डील दो तरीके से करनी होती है. एक, उस आदमी की वो इमेज जो तुम्हारे माइंड में बनी है उसको डील करना सीखो, और दूसरा, वो आदमी जब सामने आए तब उसको डील करना सीखो. ओके, तीसरा और है, जब आदमी चला जाए तब. चला जाए तब आप उसके बारे में जो कुछ सोचोगे तुम्हारे माइंड में ही सोचोगे. उसकी इमेज के प्रति जो कुछ भी सोचोगे वो अपने ही माइंड में सोच रहे होंगे ना. ओके, तो दो तरह की डीलिंग हमें करनी है. फर्स्ट, इमेज ऑफ अ पर्सन जो हमारे माइंड में घूम रही है, एंड द सेकेंड, जब सामने कोई व्यक्ति है तब. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जनरली प्रॉब्लम कहाँ आती है? राइट आंसर, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया. माइंड में जो इमेज घूम रही है ना, हम ज़्यादा देर उस आदमी के साथ अपनी इमेज में, माइंड में ज़्यादा रहते हैं, बाहर तो बहुत थोड़ी देर रहते हैं. आई थिंक सो, ऐसा ही है ना. कोई भी आदमी हमारे सामने कितनी देर रहता है और हमारे दिमाग में कितनी देर रहता है? बट नेचुरली दिमाग में ज़्यादा देर रहता है और सामने कम देर रहता है. और जो डिस्टर्ब कर रहा है वो तो नेचुरली दिमाग में ज़्यादा रह रहा है. जिनसे बहुत अटैचमेंट है या जिनसे हमको बहुत ही घृणा है, दोनों तरह के लोग हमारे दिमाग में ज़्यादा रहते हैं. तो सबसे पहले वहाँ डील करना सीखो. वहाँ डील कैसे करना, अपने माइंड को खुद बोलो कि मुझे उस आदमी की अच्छाइयाँ देखनी है. वो पीछे क्या करता है, उसे मुझे क्या, वो आदमी में क्या क्या प्लेस पॉइंट्स है जिसको देख करके, जिसको सोच करके मैं अपनी हैप्पीनेस को लूज ना करूं. देखो, आज का हमारा टॉपिक है अनलॉकिंग हैप्पीनेस. ओके, तो जरा देखो ना कि हैप्पीनेस को लूज कौन कर रहा है, आप खुद और अपने दिमाग में और किसी व्यक्ति की इमेज ला करके. ये तो वो बात हो गई कि आप जानबूझ करके जाकर के किसी आदमी की बैड फोटोग्राफ्स इकट्ठी करके अपने घर के अंदर उसका एल्बम बना के रखो. हाँ, कोई रखना चाहेगा? नहीं ना. हम हमेशा अच्छी फोटोग्राफ्स अपने घर में रखना चाहेंगे. तो ऐसी अपने माइंड में भी किसी भी आदमी की इमेज वह रखो जो आपको हैप्पीनेस दे. वह मत रखो, अगर वो है भी तो अपने दिमाग में मत रखो. इतनी तो बात है. और आपके दिमाग में कोई और आएगा क्या? चीज़ों को रीअरेंज करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सजाने संवारने के लिए आपके माइंड में कोई और आने वाला है जो आके कहेगा कि इस इमेज को ऐसे नहीं, ऐसे कट आउट करो? नहीं ना, आप ही को करना है. आप ही को करना है. हम में से हर व्यक्ति को अपने दिमाग के साथ खुद ही डील करना है. तो बाहर वाले व्यक्ति के साथ डील करने से पहले हम खुद के दिमाग को डील करना सीख लेना, कैसा रहेगा ये? अच्छा रहेगा कि नहीं? अच्छा रहेगा ना. एंड हम लोग कर भी सकते हैं शायद, नहीं कर सकते हैं ना. तो प्लीज़ आज एक मिनट के लिए अपने आप के साथ प्रॉमिस करो कि मेरे दिमाग में जिन लोगों की इमेजेस घूमती है मैं उनकी सुंदर पिक्स अपने दिमाग में रखूँगा. जो जो प्लस पॉइंट्स हैं उनके वो अपने माइंड में रखो ताकि आपकी प्रसन्नता ना खोए. देन सेकेंड, जब वो सामने आए तब क्या करना. जब कोई भी व्यक्ति सामने आता है तो हम में से हर एक व्यक्ति को ये बचपन से ट्रेनिंग मिली है कि अपने घर में आए हुए मेहमान का आदर करो, इज्जत दो, उसको बहुत अच्छा तरीके से ट्रीट करो. तो वो नेचुरली आप लोग करने ही वाले हो, है ना. और अगर कोई सामने आया है तुमसे लड़ाई करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कायर बनो, दब्बू बनो. अगर कोई वाकई योद्धा है तो तुम भी योद्धा हो, एक अच्छे से युद्ध कर लेना. लेकिन कोई योद्धा नहीं है, तुम सोच सोच करके उसको योद्धा क्यों बना रहे हो? और वो जब तुम्हारे सामने अच्छा डील कर रहा है
तो तुम उसके साथ में भी अच्छा डील करो, उसके बाद में वो क्या करता है उस बातों को छोड़ो ना। इस दुनिया में ऐसे कोई चीज़ है, केला भी हम खाते हैं ना, आपको पता है छिलका हम बाहर ही फेंकते, केवल खाने वाला पदार्थ ही खाते। तो हम में से हर आदमी को हर चीज़ में सेलेक्ट करना ही होता है ना, कि यूज़फुल थिंग को ले लो और जो यूज़लेस है उसको फेंक दो। हर चीज़ में बिस्किट भी खाओगे तो उसका रैपर तो बाहर ही डालोगे ना। अब आपको अरे वो रैपर बाहर से इतना सुंदर दिख रहा था, अंदर से तो कुछ भी डिज़ाइन नहीं था। तो नहीं था तो नहीं था, हमें क्या करना है, हमें तो उसको बाहर छोड़ना है, उसमें से लेने योग्य चीज़ को ले लेना है। तो संसार में जीते हुए हर आदमी के साथ बिहेव करते समय हम लोगों को अपने माइंड को फिल्टर डालना सीखना होगा। माइंड में फिल्टर फिट करो, और वो हर मोमेंट में फिट करना पड़ेगा। हर मोमेंट में हर चीज़ को फिल्टराइजेशन की ज़रूरत है ना। तो हर व्यक्ति के बिहेवियर के साथ में अपने माइंड में फिल्टर कनेक्ट करो कि मुझे इसमें से क्या लेना है और क्या चीज़ को लेट गो करना है। लेट गो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन तुम्हारी दुनिया ऐसी हो जाएगी कि उसमें ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस ही रहेगी, दूसरी चीज़ें रहेगी नहीं, क्योंकि तुमने अपनी दुनिया खुद बनाई है। बनाओगे ना, बनाओगे ना। और ये इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक बार समझ आ जाए, एक बार आदमी खुद को इंस्ट्रक्शन दे दे कि मुझे किसी भी व्यक्ति के अंदर से केवल प्लस पॉइंट्स को देखना है और अपने माइंड में उसकी जो इमेज घूम रही है वो केवल अच्छी इमेज घुमानी है, बाकी वो आदमी क्या है उसके नेगेटिव पॉइंट्स को मुझे देखने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी हर आदमी की पिक्चर अलग अलग एंगल से देखो तो अलग अलग आती है, तो आप वो एंगल लो ना जिससे कि अच्छी पिक्चर आए। बी ए गुड फोटोग्राफर। जय हो।